Hello everyone. So our next act name is the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. इस एक्ट के अंदर कोई चैप्टराइजेशन नहीं है, तो हम इसमें देखेंगे कि सिर्फ सेक्शन 8 ही हम इसमें रीड करेंगे, पढ़ेंगे, कोई चैप्टर्स वगैरह नहीं है। तो अगर हम इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो इसका सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इनैक्टमेंट डेट क्या है। इनैक्टमेंट डेट इस एक्ट की है 23rd of December 1986। और कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि एक्ट नंबर बता दो 86 का कौन सा है। ये एक्ट नंबर क्या होता है, उस ईयर का ये एक्ट नंबर है 60। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रीएम्बल पर गौर करें तो ये बोला जाता है कि कोई भी प्रोहिबिट कर रहे हैं हम कोई भी इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन, किसका, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर रहे हो या पब्लिकेशन के थ्रू कर रहे हो, राइटिंग वगैरह कैसे भी, अगर आप एक वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वो इंडीसेंट है तो वो प्रोहिबिटेड है। और अगर आपने इसके अगेंस्ट में कुछ काम भी किया, कुछ भी किया, तो वो एक तरीके का हम उसको ऑफेंस मानेंगे और इसकी पेनल्टी यहाँ पर इस एक्ट में दे रखी है, तो ये पीनल प्रोविजन है। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ईयर है ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, तो ये 37th ऑफ ईयर है। इसका मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक टेबल बना लो ताकि आपको सबकी अलग अलग याद रहे, क्योंकि ये चीज बहुत मिक्सड अप होती है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आता है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। तो शॉर्ट टाइटल तो यही हो गया इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला, ठीक है। एक्सटेंट क्या है इसका, होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को यहाँ से हम लोग हटा देंगे क्योंकि 370 जो आर्टिकल है वो स्क्रप आउट हो चुका है। अभी इसकी इन्फोर्समेंट डेट देख लेते हैं। इन्फोर्समेंट डेट यहाँ पर लिखी हुई है 2nd of October 1987। तो ये दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट डेट की हम बात करें, ठीक है। अब सेकंड उसका जो सेक्शन है वो डेफिनेशंस की बात करता है। तो पहले डेफिनेशन जो 2A के अंदर दी हुई है एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट से हमको जनरली क्या समझ में आते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम से हमें एडवर्टीजमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल वगैरह। अब यहाँ पे कैची क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई लाइट, साउंड या स्मोक और गैस वगैरह का क्या है, तो ये भी बोल सकते हैं कि स्मोक, साउंड, गैस के थ्रू भी हम एक तरीके का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कोई भी चीज, सैंपल्स के वे में कर रहे हो या फ्री दे रहे हो या कैसे भी दे रहे हो, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगी। 2C में बात करता है कि इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होता क्या है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन जो क्या करे, पब्लिक मोरालिटी को करप्ट करे या इंजर करे, पब्लिक मोरालिटी या जो भी मॉरल्स की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। और जो पब्लिक मोरालिटी मॉरल्स होती है ना, वो हमको भी पता है कि सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करती है, ठीक है, तो ये करप्ट करने वाली बात होगी। लेबल्स को डिफाइन किया गया है, कोई भी मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड, कुछ भी हो किसी भी पैकेज पे जिससे उसको लगे कि वो लेबल टाइप है तो वो लेबल है। पैकेजेस को डिफाइन किया गया है 2E के अंदर, बॉक्स के अंदर पैकेज हो सकता है, कार्टून के अंदर, टिन के अंदर, कंटेनर के अंदर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है पैकेजेस के अंदर। तो अगर आपने ये चारों वर्ड्स पढ़ रखे हैं ना, तो आपको आप एक मार्क आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर वही सेक्शन बोला गया है कि प्रोहिबिट कर रहे हैं हम अगर आप ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या लिखा है, शाल है, दैट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 की बात करते हैं कि अब ऐसा नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, मतलब बेसिकली बात कर रहा है कि आपको कोई भी ऐसी बुक या पैम्पलेट या फिर कोई भी पेपर, कोई भी बुक हो गई, पैम्पलेट हो गई, पेपर हो गई, कोई भी राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग को ना ही बेचना है, ना ही किराए पे देना है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना ही सर्कुलेट करना है, ठीक है, पर इसका जिसमें इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन का, ठीक है। पर ये सेक्शन किस चीज पे एप्लीकेबल नहीं है, उन चीज पे एप्लीकेबल नहीं है जो चीज बोनाफिडे फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए रखी गई हो, तो ये एक्सेप्शन में आता है, इस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी चीज पे ये एप्लीकेबल जिसपे नहीं है वो है रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड, मतलब कोई भी, मतलब कोई स्कल्पचर है, कोई इनग्रेव्ड है, कोई पेंटेड है किसी भी एंशियंट मॉन्यूमेंट में जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंदर आता है, कोई टेम्पल पे या किसी कार पे जो आइडल्स को ले जाने के लिए यूज करी जाती है या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं कोई भी ऐसी फिल्म जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट के अंदर मतलब एप्लीकेबल हो, जिसपे सिनेमाटोग्राफ एक्ट, उन फिल्म्स के ऊपर भी ये एक्ट नहीं लगेगा,
ओके फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सेक्शन 5 जिसमें पावर दी गई है कि हम एंटर और सर्च कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी भी जगह पर अगर कुछ इस तरीके का सामान है, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स है, इस तरीके की बुक्स हैं, तो हम वहां पर भी जाकर एंटर या सर्च कर सकते हैं अगर हमें ऐसा रीजनेबल डाउट होता है. तो इसमें पावर दी गई है कि हम ऐसे किसी भी रीजनेबल टाइम पर जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हम ऐसी कोई बुक मिलती है तो हम उसको सीज कर सकते हैं. ठीक है, और या फिर कोई हम एग्जामिन भी कर सकते हैं कोई रिकॉर्ड रजिस्टर जिसको हमें लगता है जो सीज किया हुआ है हमने. बट इसमें एक चीज है, आप बिना वारंट के ये काम नहीं कर सकते, आपको वारंट लेना ही पड़ेगा अगर आप किसी की प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस के अंदर एंटर कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनती है. नेक्स्ट इसमें ये चीज है कि सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी लग जाएगा जब भी आप कर रहे हो. तो सेक्शन जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सेक्शन 94 का हम इसमें डिटेल में बताएंगे कि किस किस के अथॉरिटी से आप सीज करते हो, आपको कौन कौन से लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको किसको इसको आगे देना पड़ेगा, उसमें काफी प्रोसीजर है. ठीक है, उसके बाद यही है कि अगर आप कुछ भी सामान सीज करते हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास भेजो, मजिस्ट्रेट के पास ले गए आप. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. फिर पेनाल्टी की बात करते हैं, वही बोला था बेसिकली यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें. पेनाल्टी बेसिकली अगर अभी देखा जाए ना तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारा पूरा आईपीसी को कवर करता है 292. ठीक है, तो ये आईपीसी का 292 के बारे में बात करता है. और पेनाल्टी भी लगभग सेम ही है, अगर आप पहली बार करोगे तो आपको 2 साल की सजा होगी, दूसरी बार करोगे अगर तो आपको 6 मंथ से लेकर 5 साल तक की सजा कर देंगे, 6 मंथ से लेकर 5 साल तक की. ठीक है, अब यहाँ पर जो वो आता है इसमें क्या बोलते हैं, फाइन आता है तो ऊपर वाले में, जैसे पहली बार कर रहे हो तो सिर्फ 2000 का ही फाइन है. ठीक है, और अगर दूसरी बार कर रहे हो तो 10,000 से कम का फाइन तो लगाएंगे नहीं, प्लस वो जो है वो 1,00,000 तक एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है, तो ये पिनल प्रोविजन है, इसको ये ध्यान से रखना है. अब ऑफेंसेस बाय कंपनी, अब अगर आपने एनआई एक्ट पढ़ी है ना तो बिल्कुल सिमिलर है ये वहां से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. स्टिल मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी अगर ऑफेंस कोई भी ऐसी कंपनी करती है, ठीक है, तो उस टाइम पर उस कंपनी का जो भी इंचार्ज होगा, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी का कंडक्ट कर रहा होगा, और कंपनी तीन चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी उसमें उस टाइम पे चार्ज में हो या कंपनी का कंडक्ट कर रहा हो बिजनेस ऑफ कंपनी या फिर कंपनी खुद, ये सारे लोग लायबल होंगे जिसके अगेंस्ट इसके अंदर प्रोसीडिंग्स हो सकती है. पर अगर किसी ने ये प्रूफ कर दिया कि उसके बिना नॉलेज के काम हुआ है या फिर उसने ड्यू डिलीजेंस अप्लाई किया था तो उस पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं कि कोई भी जैसे कंपनी है, कंपनी ने ये एक्ट किया तो उस टाइम पर ये जब ये ऑफेंस हुआ था तो वो किसी एक पर्सन के कंसेंट से हुआ है, कनिवान से हुआ है, एट्रीब्यूट से हुआ है, नेग्लेक्ट उसके पार्ट से हुआ है, और कोई भी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिसर दूसरा जो भी है, तो इन सारों के अगेंस्ट इसके अंदर प्रोसीडिंग चलेगी. अगर प्रूव हो जाता है कि ये कंपनी ने ऑफेंस किया है तो किन किन के अगेंस्ट चलेगा, ये जिसने भी कंसेंट दी होगी, कनिवांस दी होगी, एट्रीब्यूटेबल नेग्लेक्ट होगा जिसके भी पार्ट पे, या डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द मैनेजर. अब इसमें बताया गया है एक एक्सप्लेनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपनी का मतलब क्या होता है. बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसमें एक फर्म होती है या अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं. डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब डायरेक्टर का मतलब एक फर्म में क्या होता है, मतलब पार्टनर है वो फर्म में जनरल. ठीक है, सेक्शन 8 की बात करें तो सेक्शन 8 में ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि ऑफेंस क्या है, बेलेबल ऑफेंस है. ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है. ठीक है, थोड़ा सा कॉग्निजेबल है पर ये ऑफेंस क्या है, बेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें 436 ऑफ द सीआरपीसी का राइट है इसके अंदर हमारा जो बेल का है. ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ. अगर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो भी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गुड फेथ में काम करता है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा. तो ये सेविंग क्लॉज बोल दो उन लोगों के लिए, प्रोटेक्शन क्लॉज है. जो भी रूल्स होते हैं ना इसके अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. तो ये बहुत छोटा सा एक्ट था जिसको, मतलब एक रिवीजन के तौर पर तो ये बहुत ही छोटा एक्ट है, और कोई रिवीजन करा दे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा. तो ये एक्ट का नेम हो गया, इनएक्टमेंट डेट पढ़ ली हमने, इसकी इन्फोर्समेंट डेट हमने यहाँ पढ़ ली थी. ठीक है, उसके बाद 60 एक्ट है. ठीक है, 37th है,
ये भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है. डेफिनेशन में हमने पढ़ी एडवर्टीजमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लेबल क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं. सेक्शन 3 जनरल बता रहा है कि प्रोहिबिट है. सेक्शन 4 में बेसिकली 292 ऑफ आईपीसी का रिटेलिएशन पूरा बताया गया है. एक्सेप्शन बताए गए हैं, रिलीजियस में यूज नहीं होता, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंदर जो भी मॉन्यूमेंट्स आते हैं उस पे नहीं होता, कोई भी टेम्पल या कोई भी कार्ड्स वगैरह पे नहीं होता, और फिर जिसपे सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर जो फिल्म में लगती है, फिल्म पे जो लगता है एक्ट, उस पर नहीं होता. सर्च करने की पावर है पर किसी ड्वेलिंग हाउस के अंदर बिना वारंट के नहीं जा पाओगे. पेनाल्टी वही है कि पहली बार करोगे तो 2 साल और 2,000, दूसरी बार करोगे तो 6 साल से कम नहीं बट 5 साल तक की सजा हो सकती है, और जो फाइन है वो 10,000 से कम नहीं 1 लाख तक का हो सकता है, और पहली बार करने पे सिर्फ 2,000 तक का एक्सटेंड करके हम कर देंगे. कंपनी का ऑफेंस बता दिया गया है. 8 में बोला गया है कि ये बेलेबल है, कॉग्निजेबल है पर बेलेबल है. गुड फेथ में कोई भी काम कर रहा है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. तो ये काफी छोटा सा एक्ट था, तो इसका मैंने एक रैपिड रिविजन करवा दिया है. अगर आपको इसको और अच्छे से डिटेल में आराम से पढ़ना है तो आप हमारे जुडिशियल सक्सेस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम इसे डिटेल में आपको आराम से आपके सारे जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आगे वाले भी एक्ट हमसे इसी तरह पढ़ेंगे. तो ये एक्ट में सिर्फ इतना ही था. थैंक यू सो मच.